तो जैसे बचपन में क्या मेरे दादाजी मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे महाभारत की रामायण की तो उसमें मुझे ना एक नाम बहुत अच्छा लगता था अश्वत्थामा उसमें मैंने देखा है कि लिखा हुआ है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और जंगलों में भटक रहा है एक दिन ऐसा हुआ कि आ, मतलब मैं सो रही थी एंड अगेन मेरी बॉडी जो थी वो फ्रीज हुई ऐसा लगा कि कोई मुझसे बात कर रहा है उन्होंने देखा कि भीलों के ही बीच में एक भील है जो सबसे अलग है आदिवासी लोग थे जो भील लोग थे वो महादेव की पूजा कर रहे थे और उस भील की भी पूजा कर रहे थे तब पायलट बाबा ने जाके उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ और दो मिनट के बाद शेर आता है सामने से मस्त अपने मगन मगन में है वो झूमता खेलता अपना आ रहा है और उस दिन मुझे लगा कि अब तो मैं गई <laughs> और मैंने अपनी आँख बंद की और मैं चिल्ला के मैंने तीन बार बोला नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर मैंने आँख खोली शेर मुझे देख रहा था मुड़ के वापस चला गया तो मैं गई और जैसे ही मैंने मूर्ति देखी तो मैं रोने लग गई क्योंकि जो मूर्ति मैंने देखी और जो बाबा मुझे ऊपर मिले थे वो सेम थे वो? वही अश्वत्थामा बाबा थे तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा अलग ऐसा टॉपिक हमने पिक करा है आज जिस पर हमने तो पहले कभी बात नहीं करी है ये एपिसोड थोड़ा सा हार्ड टू बिलीव हो सकता है आप लोगों के लिए हमारे लिए भी हो सकता है बट जो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस मिनी भारद्वाज जी ये एक ऑथर भी हैं और ये क्लेम करते हैं कि ये अश्वत्थामा जी से मिलकर आए हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे कि आ, उनके डिटेल्स वो आज भी कलयुग में ज़िंदा है तो कहाँ हैं कई लोग सोशल मीडिया पे हम देखते हैं आ, कि लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं लोग उनके बारे में बताते हैं बट मैम उनसे खुद मिलकर आई हैं तो आज जानेंगे पूरी वो चार महीने की जर्नी जब इन्होंने परिक्रमा करी और कैसे वो प्रोसेस पूरा हुआ तो स्वागत करते हैं मिनी जी का स्वागत है आपका थैंक यू सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए नहीं नहीं मैम आपके ये जो पॉडकास्ट होने वाला है हमारा ये हमारे लिए जैसे शुभम ने बोला एकदम अलग होने वाला है हमने आज तक कभी ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करी है इट्स एक्चुअली गोइंग टू टू बी हार्ड बिलीव फॉर अ लॉट ऑफ व्यूअर्स एंड अस आल्सो और मतलब मैं मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है सबसे पहले कि आपके माइंड में ऐसा क्या आया मतलब ऐसी क्या किक मिली कुछ ऐसा क्या हुआ कि आपके माइंड में ये थाट आया कि आपको ढूंढना चाहिए उनके पहले पहले तो ये समझ लेते हैं कि अशोत्थ था जी है कौन और वो ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा उनके बारे में बताइए जी तो सबसे पहले भाई ये बोल देती हूँ अश्वत्थामा जी को मैं अश्वत्थामा बाबा बोलती हूँ क्योंकि मैं उनको अपने बाबा मानती हूँ गुरु भी मानती हूँ उनको तो अश्वत्थामा बाबा जो हैं वो आ, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं ये तो सबको पता है गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के जो आचार्य हैं गुरु हैं माता कृपी के पुत्र हैं और उनका बेसिकली ये था कि वो इतने वो शिव जी के अंश हैं ये बात बहुत कम लोगों को पता है जब गुरु द्रोणाचार्य ने काफ़ी तपस्या की थी उनको कि उनको एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो शिवजी के स्वयं अवतार हो तो उन्होंने काफ़ी तपस्या की और तपस्या के बाद जब महादेव जी प्रकट हुए और महादेव जी ने बोला उनको पुत्र दिया जिनका नाम अश्वत्थामा रखा गया उनका नाम भी आकाशवाणी से रखा गया था आकाशवाणी हुई थी तब उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया ठीक है तो ये है उनका साथ ही वो दुर्योधन के मित्र हैं वो कर्ण के मित्र हैं कौरवों की तरफ से वो लड़े थे और वो पैदा ही इमोटल हुए थे चिरंजीवी ही पैदा हुए थे वो अच्छा ऐसा नहीं हुआ था उन्होंने ऐसा कुछ करा था कि जिससे कि उनको श्राप मिला था कि आप किसी हाँ। मतलब आप हर काल में रहोगे हाँ लेकिन ये ये लोगों को मिसकंसेप्शन है कि उनको इमोटैलिटी का श्राप मिला था वो पैदा ही मॉटल हुए थे इमोटल हुए थे वो चिरंजीवी ही पैदा हुए थे कृष्ण जी ने उनको ये बोला था कि तुम्हें घमंड है अपने चिरंजीवी होने पर तो तुम भटकते रहोगे तुम लोगों के कांटेक्ट में नहीं आओगे तुम्हारे घाव रहेंगे उनकी मणि निकाली गई थी भीम जी ने उनकी मड़ी निकाली थी थोड़ी थोड़ी डिटेल में चलते हैं कौन सी मड़ी थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं महाभारत से आप थोड़ा हमें बताओ जब ये महाभारत वॉर हुआ और आठवा अठारवा दिन था तो अठारवें दिन ऐसा हुआ था कि कृष्ण जी पांडवों को लेकर चले गए वहाँ से कि हमें कहीं जाना है और वो कैंप से ले चले गए युद्ध खत्म हो चुका था अठारहवें दिन लेकिन अश्वत्थामा बाबा के अंदर बहुत गु़स्सा था क्योंकि उनको गुस्सा था क्योंकि उनके पिता को मतलब अधार्मिक अधार्मिक तरीके से मारा गया था क्योंकि वो मेडिटेशन फॉर्म में थे और उनका सर काटा गया था तो एक तो उनको वो गुस्सा था दूसरा उनके दोस्त दुर्योधन जिसको वो बहुत मानते थे उनको भी अधार्मिक तरीके से ही मारा गया था तो उनके अंदर ये गुस्सा बहुत था तो उस दिन उन्होंने क्या किया था वो पांडवों के कैंप में गए और कैंप में जाने के बाद उन्होंने जो द्रौपदी के पांच पुत्र थे जिनको उप पांडव बोलते हैं उनको उनका सर काट दिया और काट के वो आ गए लेकिन उनको ये लगा कि उन्होंने पांडवों को काटा है क्योंकि वो जो कैंप था वो जो शिविर था वो पांडवों का शिविर था लेकिन उस दिन क्योंकि कृष्ण जी लेके गए थे उनको तो उप पांडव उसमें सो रहे थे ठीक है अब वो उन्होंने उनको पता चला कि उप पांडवों को उन्होंने मारा है तो वो वेदव्यास जी के आश्रम में गए वेदव्यास जी वो हैं जिन्होंने आपकी महाभारत लिखी है उनके आश्रम में गए इधर पांडव लोग आए कृष्ण जी आए उन्होंने देखा कि उप पांडव मर गए हैं द्रौपदी और ये सब लोग फिर वेद जी के आश्रम में गए और वहाँ जाकर मतलब वो लोग काफ़ी क्रोधित थे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे बट बाबा ने अपने आप को बचाने के लिए ब्रह्मशिला अस्त्र छोड़ा उनके ऊपर कि वहाँ पे फाइट होने लग गई थी तो ब्रह्मशीरा अस्त्र छोड़ा और उसके डिफेंस में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो लेकिन हुआ ये कि बाबा को अश्वत्थामा बाबा को ब्रह्मशीरा अस्त्र छोड़ना तो आता था पर वापस लेने की का ज्ञान उनको नहीं था और जो अर्जुन थे उनको था सिखाया द्रोणाचार्य ने ही था दोनों को तो वेद्यास जी ने बोला कि अगर ये दोनों अस्त्र आपस में टकरा गए तो विध्वंस हो जाएगा तो वेदव्यास जी और कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन ने वो अस्त्र वापस लिया और फिर अश्वत्थामा बाबा को भी बोला गया कि आप भी ये अस्त्र वापस लो तो जब वो अस्त्र वापस उन्होंने बोला गया तो उनको एक्चुअली गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उन्होंने वो जो अस्त्र था उसको जो उत्तरा है उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी अर्जुन की बहू उनके गर्भ में छोड़ दिया जबकि वेद जी ने बोला था कि इसको किसी बंजर जमीन की तरफ इसका रुख मोड़ो अच्छा। लेकिन उन्होंने और उस टाइम पे वो थी प्रेग्नेंट, तो उनके गर्भ में छोड़ा और तब कृष्ण जी ने उनको बोला कि ये इस युग का सबसे बड़ा अपराध है और आप तुमने जो अपराध किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है तुम्हें घमंड अश्वत्थामा कि तुम इमोटल हो चिरंजीवी हो तो तुम्हारा यही अब श्राप बनेगा तुम भटकते रहोगे जंगलों में तुम किसी के कांटेक्ट में नहीं आ पाओगे तुम्हारे शरीर में घाव रहेंगे खून पीप सब निकलता रहेगा और फिर उन्होंने भीम को बोला मणि निकालने के लिए उनके सर से जो उनको चिरंजीवी बनाती थी अच्छा वो मणि ही उनको चिरंजीवी बनाती थी वो मणि ही उनको हर भूत प्रेत हर चीज़ से बचा के रखती थी वो मणि ही उनको पावरफुल बनाती थी तो वो मणि निकाल ली गई और फिर उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ से निरंतर रक्त बहता रहेगा और यहाँ से बदबू आएगी स्मेल आएगी ये घाव तुम्हारा कभी ठीक नहीं होगा तो ये था उनका उनकी कहानी ओके okay. जी तो अब आप, आप बात करते हैं आपके और उनके कनेक्शन की जी तो आपका उनसे कनेक्शन कैसे आया कैसे आपकी लाइफ में उनकी प्रेजेंस फील होती है आपको तो जैसे बचपन में क्या मेरे दादाजी मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे महाभारत की रामायण की तो मैं काफ़ी छोटी थी मतलब होंगी मैं आ, दस ग्यारह साल की तो उसमें मुझे ना एक नाम बहुत अच्छा लगता था अशवत्थामा मुझे मतलब एक होता है मैं ये सोचती थी नाम बहुत अच्छा है तो उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे बड़ी हुई तो एक बार मेरे रूम में मैं गई तो मैं टेंथ स्टैंडर्ड में थी उस टाइम पे मेरे रूम में मैंने एक पेपर न्यूज़पेपर की कटिंग देखी उसमें मैंने देखा कि लिखा हुआ है कि अश्वथ आज भी जिंदा है और जंगलों में भटक रहा है वो पेपर की कटिंग कहाँ से मुझे नहीं पता मे भी कोई न्यूज़ होगी मेरे घर में रखी होगी आई डोंट नो तो मैंने वो देखा तो मुझे एक झटका सा लगा कि अच्छा ऐसा कौन सा इंसान है जो आज भी जिंदा है मैं टेंथ स्टैंडर्ड में थी तब मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है फिर मैं भूल गई भूल गई उसके बाद मैं लाइक like, अपना मुंबई आ गई मुंबई शिफ्ट हो गई अपना जॉब वगैरह करने लग गई एक दिन ऐसा हुआ कि आ, मतलब मैं सो रही थी एंड अगेन मेरी बॉडी जो थी वो फ्रीज़ हुई और फ्रीज हुई और मेरी आंखें खुली हुई थी और ऐसा लगा कि कोई मुझसे बात कर रहा है हुए थे मैं पे। जगी हुई थी बट मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ मैं लेटी हुई थी और मुझे कुछ नहीं पता मैं मतलब आई वॉज़ लाइक कि मेरी ऐसी उंगली भी हिल नहीं पा रही थी ऐसा हो गया था और ये तुम मुझे ढूंढ रही हो और मैं अब तुम्हारे पास आ गया हूँ तो अब तुम इसको जैसे भी लिखना चाहते हो इसको लिखो

जब वो पेपर दिखा और ये सारी चीज़ें तो मैंने ना सर्च जरूर किया था मैं काफ़ी सर्च किया कि वो आज कहाँ है अगर कलयुग में है तो वो कहाँ है ये सब मैंने सर्च किया लेकिन मुझे कहीं कुछ नहीं मिला मेरी एक इंफॉर्मेशन जो थी वो लिमिटेड आके रह जाती थी कि वो उनको कर्स मिला है वो जंगलों में भटक रहे हैं मुझे कुछ नहीं मिला उस बिकॉज इट इज सेट दैट एनर्जी है actually, और कोई उसे ढूंढता है तो वो फिर सेलेक्ट करते हैं कि मैं इसी को दिखूंगी या फिर मैं इसी को अपनी प्रेजेंस फील कराऊंगी जी एक्चुअली फ़र्क होता है अगर आप इनको ऐसे ढूंढते हैं ना ओह अश्वत्थामा जिंदा मैं ढूंढ के दिखाऊंगा या यहाँ पे आया है मैं करके दिखाऊंगा रात रात भर आप जागोगे भी आप कैमरा भी लगाओगे वो आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि वो डिवाइन है लेकिन अगर आप डिवोशन से ढूंढोगे ना कि बाबा मुझे मिलना है जैसे मेरा क्या होता था बाबा मुझे आपसे मिलना है बाबा आपको अपने हाथ से मुझे खाना खिलाना है बाबा आप कैसे हैं मुझे जानना है तो वो फिर एक अलग बात हो जाती है आप भक्ति करेंगे तो आपको मिलेंगे पर अगर आप उसको एक यू नो ईगो के तरीके से ढूंढेंगे तो फिर वो आपको नहीं मिलेंगे तो जब आपको वैसे मैसेज मिला तो आपको कुछ दिखा भी था या फिर सिर्फ एक उस टाइम पर नहीं दिखा था उस टाइम पर नहीं उस टाइम पे फिर मैंने बुक लिखनी शुरू की मैं सुबह उठ के मेडिटेशन किया करती थी मेरे कुछ सवाल थे ये जो पूरी बुक है उसमें मेरे जो मेरी फर्स्ट बुक है सीकिंग डेथ अबोन विद अ कर्स उसमें तेरह दिन का चैप्टर है तेरह दिन का मेरा एक एक सवाल है तो मुझे उन सवालों के जवाब चाहिए थे तो मैं वो जब भी मैं बैठती थी मेडिटेशन पे तो मेरा पहला सवाल होता था उसका जवाब मुझे मिलता था मैं अपनी बुक में लिख देती थी फिर दूसरा डे आया किस फिर उसका जवाब सवाल होते थे जैसे कि वेद क्या है मुझे जानना था मेरी क्योसिटी है तो आप अपने गुरु पिता द्रोणाचार्य से कैसे मिले वापस मिले कभी कि नहीं मिले तो ये कुछ सवाल थे कि बाबा आपने अर्जुन का साथ क्यों नहीं दिया आपने दुर्योधन का साथ क्यों दिया आपने क्यों गलत किया तो ये कुछ सवाल मेरे थे उसमें बाबा लाइफ क्या है मुझे लाइफ के बारे में समझाइए तो ये ऐसा कुछ है कि आप आप डाउनलोड होते हैं डाउनलोड होते चीजें थे एक्चुअली जब मैं लिखती हूँ अभी भी जो मैंने अपनी दूसरी मेरी सेकेंड बुक आ रही है तो वो भी जो मैं लिख रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई नरेट कर रहा है और मैं लिख रही हूँ वो क्योंकि आई एम नॉट अ राइटर मैं बचपन में ये बात भी बोला करती थी नॉट बचपन एक्चुअली पाँच छः साल पहले कि मैं क्रिएटिव बिल्कुल नहीं हूँ मैं मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ मैं पी आर हूँ बेसिकली तो मैं बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हूँ राइटिंग मैंने दूर दूर तक अपने सपने में भी नहीं सोची थी कि मैं लिख सकती हूँ या मैं ऐसा कुछ सोच सकती हूँ और अभी भी जब मैं लिखती हूँ ना तो ऐसा होता है कि कोई मेरे को बोल रहा है कोई नरेट कर रहा है तो उस स्टेट में जाने के लिए आप जब मेडिटेट मतलब कुछ प्रॉपर तरीका था उसका कि आपको कुछ रिचुअल करना था या फिर तो थे बैट थे, बैट या फिर बैठते थे प्रॉपर बस बैठ गए नहीं मैं बैठती थी मैं जल का लोटा रखती थी और मैं महामृत्युंजय का जाप किया करती थी तब तो मैं महामृत्युंजय का जाप एक बार करती थी और उसके बाद मेरे को डाउनलोड होने शुरू हो जाते थे आपके जो माइंड में एक सवाल आया था जो आपने अपने किताब में फिर उसका जवाब लिखा भी हुआ है कि लाइफ क्या है अगर आप बता सकते हो कि आपने उसमें ब्रीफ में उधर क्या लिखा है जवाब मिलता था वैसे उसके लिए तो आपको मेरी बुक इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा अगर आप अगर थोड़ा सा बता पर उसमें मैंने एक लाइन लिखी है बस तो वो शॉर्ट में मैं ये बता देती हूँ तो उसमें मैंने लिखा है कि सो तो बेसिकली मेरी बुक में जो प्रोटैगनिस्ट है जो लड़की है उसका नाम है स्वीकृर्ति तो स्वीकृर्ति अपने बाबा से पूछ रही है कि बाबा लाइफ क्या है तो उसके बाबा उसको बोलते हैं कि आज कुछ तरफ लोग ऐसे हैं जो परम्पराओं में खुद को बांधे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो परंप आज़ादी के नाम पे परंपराओं को ख़त्म करते जा रहे हैं आज़ादी और परंपरा के बीच एक रस्ता है उसको जिंदगी कहते हैं <laughs> <laughs> अच्छा जी बाबा ने भी घुमा दिया अच्छा ठीक है फिर आपको जब ये आवाज आई बुक राइटिंग शुरू हुई तो वो जर्नी कैसे शुरू हुई कि आप जंगलों में पहुँच गए जी तो आ, ऐसा हुआ था कि एक काफ़ी सालों पहले मैंने आ, जब मैं बाबा के ऊपर रिसर्च कर रही थी अपनी बुक के टाइम पर तो मैंने कहीं पढ़ा था पायलट बाबा के बारे में पायलट बाबा की किताब है हिमालय कह रहा है तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि वो जब हिमालय का आ, वो कर रहे थे दौरा कर रहे थे तब वो उसी बीच में नर्मदा माँ की परिक्रमा पर गए तो नर्मदा माँ के बारे में बता देती हूँ इससे पहले मैं पायलट बाबा के बारे में बताऊँ तो नर्मदा माँ मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए जाती हैं नदी हैं पंचगंगा में से इनको बोला जाता है शिवजी की बेटी बोलते हैं उनको और इकलौती यही एक नदी है जिसकी परिक्रमा होती है और इस परिक्रमा को शुरू किया था मार्कंडे ऋषि ने तो ये साधु संतों की परिक्रमा होती है तो जब पायलट बाबा ने ये परिक्रमा कर रहे थे तो उसी बीच एक जगह आती है मैं भी उस जगह पर गई थी शूलपाणेश्वर शुलपाणेश्वर मंदिर है तो वो वहाँ पहुँचे और एक जंगल है शूलपानी का जंगल वहीं पे शुलपाणेश्वर महादेव है वो जंगल सबसे टफ जंगल होता है वहाँ पर पहुँच पाना बहुत मुश्किल है और उस टाइम पे वहाँ पे आदिवासी रहा करते थे उनको भील बोला जाता था तो ये जो भील थे इनका क्या था कि परिक्रमा पे आते जाते लोगों को ये लोग लूट लेते थे क्योंकि इनके पास कुछ खाना वगैरह होता नहीं था तो पायलट बाबा पहुँचे और उन्होंने भी इनको लूट लिया लेकिन उनके पास लूटने के लिए कुछ था नहीं उनके पास कुछ विभूति और कुछ था तो आदिवासियों ने वही लिया उसके बाद आदिवासी उनसे थोड़ा सा इंप्रेस हुए और उनको अपने साथ लेकर गए लेकर गए अपने फंक्शंस वगैरह दिखाए वो लोग शूलपाणेश्वर मंदिर में रुके पायलट बाबा उनके साथ उनके गुरु भी थे एक तब उन्होंने देखा कि भीलों के ही बीच में एक भील है जो सबसे अलग है सबसे अलग और दिखता भी अलग है उसकी चीज़ें भी अलग है और जो आदिवासी लोग थे जो भील लोग थे वो महादेव की पूजा कर रहे थे और उस भील की भी पूजा कर रहे थे तब पायलट बाबा ने जाके उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ तो बेसिकली आ, मुझे पता चला है कि भीलों के सरदार हैं बाबा तो यहाँ से मुझे ये चीज़ पता चली उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि मुझे लोग मिलने लग गए मेरा एक ऑथर साइनिंग का इवेंट था वहाँ पर मैं बैठी थी और मैं बाबा के बारे में बात कर रही थी तो एक आदमी आए वो भी राइटर ही हैं तुझे क्या लगता है कि तेरे बाबा सही हैं जो तू उनको बताने जा रही है उनके बारे में बात करती है वो गलत है दुनिया गलत मानती है तू क्यों सही मान रही है तो एक्चुअली क्या होता है कि बाबा के बारे में जब कोई गलत बोलता है ना तो मुझे गुस्सा आता है अंदर से मतलब मेरी आंखों में आपको दिख जाएगी वो रेज जो होती है बिकॉज़ लोगों को उनकी सच्चाई पूरे तरीके से अभी नहीं पता है तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आने लग गया तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है शांत हो जा शायद ये कहानी तेरे लिए ही थी मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि हम लोग नर्मदा माँ की परिक्रमा कर रहे थे गाड़ी से तो हम लोग जंगल में भटक गए और वहाँ पर भटके तो सामने से एक आदमी आया हम चार लोग थे गाड़ी में और उसने हमें रास्ता दिखाया और जब वो गायब हुआ तो चारों के मन में एक ही नाम आया अश्वत्थामा अब वो वहाँ थे वो या वो नहीं थे हमें नहीं पता पर तेरे लिए शायद ये बात जाननी जरूरी है मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया तो, तो मुझे लगता अश्वस्थामा कैसे लगे कि उन्होंने रूप देखा मतलब सबने लंबे से आदमी थे वो उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया था मुझे कि लंबा सा एक आदमी था और उसने धोती पहना हुआ था और ऊपर से शॉल ओढ़ी हुई थी और बस शक्ल वो देख नहीं पा रहे थे उनकी दिख रही थी बट वो शक्ल नहीं देख पा रहे थे और बस उन्होंने इशारा किया कि इस तरफ जाना है और वो गायब हो गए तो ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन में ये बात आई कि बाबा आपने इनको तो दर्शन दे दिए मुझे नहीं दिए मैंने क्या किया है कि आप मुझे नहीं दे रहे हैं फिर मतलब ऐसा हुआ कि मैंने बोला बाबा मुझे बुलाओ मुझे भी आना है मुझे भी मिलना है उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने घर पर सो रही थी सडनली मेरी बॉडी फिर से फ्रीज़ हुई फिर से मैं लेटी हुई हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है सिर्फ आंखें खुली है मेरी और फिर बोला कि तेरे को बोला ना परिक्रमा पर जाने के लिए नर्मदा की तू क्यों नहीं जा रही है तू जा वहाँ पर तेरे सारे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे एंड देन सडनली मेरी आँख खुलती है एंड देन वहाँ से आई डिसाइडेड कि मैं परिक्रमा पर जाऊँगी और फिर चीज़ें मेरी बनती तो आपने वे कैसे फिगर आउट किया कि आ... इस जंगल पे जाना है लेकिन कैसे जाना है अकेले जाना है किस honest, आ, कैसे जाना मुझे कुछ नहीं पता था मुझे बस ये पता था कि ओंकारेश्वर और अमरकंटक से ये परिक्रमा उठाई जाती है और ये परिक्रमा पूरी चार महीनों की होती है पाँच महीनों की बेसिकली जो साधु लोग करते हैं वो तीन साल तीन महीने तेरह दिन की होती है पर जैसे हम लोग हैं गृहस्थ लोग हैं तो हम लोग उसको चार महीने पाँच महीने में उसको कम्प्लीट करनी होती है मुझे सिर्फ इतना पता था कि आपको डेली पैदल चलना है मुझे इतना पता था कि शूलपाणी जंगल में बाबा मिलते हैं अगर कोई भटक जाता है तो वो रास्ता दिखाते हैं और वहीं पे मेरे बाबा मुझे मिलेंगे मुझे सिर्फ इतना पता था और ओंकारेश्वर मैंने टिकट कराई मैं ओंकारेश्वर पहुंची और वहाँ पे मुझे अपने आप रास्ते मिलते गए और मैं वहाँ से निकल पड़िया कैसे जंगलों में जाना एक अलग ही चीज़ है घर वालों को कन्विंस किया आपने या वो एक महीना लगा मुझे कन्विंस <laughs> करने में बिकॉज ऑब्वियसली जंगलों में अकेले अपने बच्ची को भेजना बहुत बड़ी बात हो जाती है और मुझे ये था कि मैं अगेंस्ट जाके कुछ नहीं करना चाहती थी मैं करती भी नहीं तो मैंने प्रे किया मैंने मेरे मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया कि नहीं जाना और ऐसा स्पेशली माई सिस्टर सब मना कर दिया बिल्कुल ही तब मैंने प्रे किया मैंने कहा कि बाबा मैया मैंने नर्मदा माँ को भी बोला मैंने कहा मैं अपने मम्मी पापा की मर्ज़ी के बगैर नहीं आऊँगी अब आप लोग करो आप लोगों को क्या करना है एक दिन मैं रोते रोते सोई हूँ ये बोलते बोलते नेक्स्ट डे मैं उठी मेरे मम्मी पापा आए और उन मम्मी ने बोला कि बेटा तू जा तेरे को जाना है क्योंकि उन सबको मेरे घर पे मेरे बाबा को लेके जो डिवोशन है वो सबको पता है अश्वत्थामा बाबा को लेके तो उन्होंने बोला देख हम तुझे रोकेंगे नहीं तेरे को जाना है तू जा बस तेरे को डेली फ़ोन करना होगा और तू अपना ध्यान रखेगी तो मैंने बोला हाँ ठीक है तो ये भी एक तरीके का मेरिकल था मेरे मम्मी पापा का मानना अदरवाइज एक महीने से वो मान नहीं रहते तो लास्ट में जब मैंने प्रे किया तो नेक्स्ट डे ही वो लोग मान गए तो आपकी इस जर्नी पे आपके साथ कितने लोग थे मैं अकेली चली थी लेकिन लोग मिलते रहते थे क्योंकि और भी लोग परिक्रमा करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग ये परिक्रमा करते हैं लेकिन हाँ ये था कि सबसे यंग मैं थी सब लाइक फोर्टी प्लस फिफ्टी प्लस फोर्टी प्लस भी रह रही होते हैं फिफ्टी प्लस सिक्सटी प्लस के लोग होते हैं तो मैं सबसे यंग थी वहाँ पर ठीक है तो उस जर्नी की बात करते हैं जब वो शुरू हुई फिर कैसे आगे बढ़ी कुछ बताओ तो uh, जब जर्नी मैंने शुरू की थी तो मुझे ये था कि मुझे ये जर्नी बाबा को लेके ही करनी है क्योंकि मुझे पता था मुझे और भी लोग जब मैं ओंकारेश्वर गई तो वहाँ पे मैंने कुछ कहानियाँ सुनी कि मेरे को एक भैया मिले उन भैया ने बताया मतलब एक्चुअली मुझे देख के ना सब लोग शॉक्ड हो जाते थे कि तुम इस परिक्रमा पर कैसे आ गई एक तो लड़की ऊपर से अकेली ऊपर से यंग तो तुम कैसे आ गए तो हर कोई बात करने आ जाता था उनको लगता था ये कोई नॉर्मली तो नहीं आएगी इसका कुछ ना कुछ मकसद होगा ये तभी आएगी तो एक भैया मिले मुझे तो उन भैया ने पूछा मेरे से कि तुम कैसे आई क्या है ये वो करके तो मैंने उनको सिर्फ वही भैया थे क्योंकि उनकी परिक्रमा वहाँ पर पूरी हो रही थी और मेरी शुरू हो रही थी तो मैंने उनको बताया कि मैं अश्वत्थामा बाबा को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हूँ तब उन्होंने मुझे बताया कि मेरा एक दोस्त था वो जंगलों में भटक गया था तब बाबा आए अश्वत्थामा बाबा आए उन्होंने हल्दी तेल मांगा उनसे बाइक से बाइक वाले से उनके दोस्त से तो उनके पास नहीं था तो उन्होंने बस उसको रास्ता बताया और फिर वो गायब हो गए तो ऐसा हुआ था तो मेरे को और मतलब जितना ज़्यादा मैं परिक्रमा के अंदर जा रही थी अभी मैंने जिस पैर ही रखा तो मुझे पता चला उससे पहले मुझे पायलट बाबा के बारे में पता चला तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता जा रहा था तो वहाँ से लेकर मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी को ज़्यादा बताऊंगी नहीं कि मैं उनको ढूंढने के लिए आ रही हूँ लेकिन एंड होते होते वो परिक्रमा ये 3600 किलोमीटर की होती है 3600 किलोमीटर की वो पूरी एक बेल्ट है लेकिन एंड होते होते मैं वहाँ पर पूरी पॉपुलर हो गई थी कि एक दिल्ली वाली मैया चल रही है जो अश्वत्थामा को ढूंढ रही हैं अच्छा और आप थ्रू आउट दिस जर्नी आप कैसे वर्शिप करते थे अश्वत्थामा जी को आ, तो जब मैं परिक्रमा पर जाने वाली थी तो जाने से पहले ही मैंने उनको बोला कि बाबा मैं आ तो रही हूँ पर सबके पास कुछ ना कुछ है लाइक like, कृष्ण जी की मूर्ति है माँ दुर्गा की है और मैं आपको गुरु मानती हूँ आपको अपना बाबा मानती हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैंने बोला मुझे चाहिए कुछ ना कुछ फ़ोटो कुछ भी आपकी मूर्ति कुछ भी जिसकी मैं पूजा कर सकूँ तो ये बोल के मैं वहाँ पे गई थी लेकिन जब तक मुझे नहीं मिलती तो मैंने एक तेल की शीशी छोटी सी दस रुपये की होती है तो मैंने वो तेल की शीशी खरीदी थी उस पर रक्षा धागा बांधा था और उसको अपने पूजा के स्थान पर रखती थी डेली और उनकी पूजा करती थी ओ, तो आप जैसे जैसे चलते थे वहाँ पे आप पूजा स्थान बना लेते थे तो वहाँ पे नहीं ऐसा होता था कि आपको सुबह चार बजे उठना होता था नर्मदा माँ में नहाना होता था और नहा के फिर आपको पूजा करनी होती थी नर्मदा माँ की आरती और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी आरती और फिर आपको वहाँ से अपनी परिक्रमा शुरू करनी है और फिर शाम को छः बजे सनसेट के टाइम पे आपको रोक देनी है परिक्रमा आप रात को नहीं कर सकते और फिर आपको वापस से माँ की आरती करनी है नर्मदा माँ की और फिर अपनी परिक्रमा को विराम देना है फिर आपको भोजन करना है और फिर आपको सोना है अच्छा तो जब आप सोते थे तो आ, कुछ थी आपके पास चादर वादर मतलब कैसे सोने का कैसे हाँ सोने का ऐसा होता था कि हमारे पास थर्मा की एक मैट थी जैसे योगा मैट होते हैं ऐसे ही थर्माकोल कॉल का एक मैट था जिसको हम लोग आसन बोलते हैं हम लोग वो बिछाते थे और उसी पर सोते जमीन थे। जमीन पर ही मच्छर ये सब आते रहते, आते रहते थे <laughs> सांप सांप तो नहीं पर मुझे शेर मिला था <laughs> शेर? हाँ। बताओ ना वो एक्सपीरियंस शेर का ऐसा था कि चलते चलते हम लोग एक जगह पहुंचे लकड़कोट की झाड़ी लकड़कोट की झाड़ी एक डेंस फॉरेस्ट है लाइक काफी जहाँ पे शेर काफी रहते काफी जंगली जानवर रहते हैं तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता है परिक्रमा वासियों को भी दो या तीन लोग नहीं जाते वो ग्रुप में आपको पंद्रह सोलह लोगों का ग्रुप होता है उसमें आपको निकालते हैं और वहाँ पे एक मंदिर है जयंती माता मंदिर तो वो मंदिर बहुत सिद्ध मंदिर माना जाता है ऐसा कहते हैं कि मंदिर में भी कभी कभी शेर आ जाता है तो और उससे पहले जयंती माता जाने के दो दिन पहले मेरे को सपना आ रहा था शेर का कि मेरे को एक जगह दिखी लक्कड़कोट की झाड़ी थी या क्या बोलेंगे उसको तो मेरे को जगह दिखी वहाँ से सामने से शेर आ रहा है तो मेरे साथ एक आनंद बाबा थे तो मैंने उनसे बोला मैंने कहा बाबा मुझे ना ऐसा ऐसा सपना आया तो उन्होंने बोला कि अरे यहाँ पे तो शेर को दर्शन होते हैं शेर मिलते हैं लोगों को तो लगता है तेरे को भी शेर मिलने वाला है तो मैं डर गई मैंने कहा कि देखते हैं फिर तो मैं डरे डरे चल रही थी तो जयंती माता मंदिर पर मैं थोड़ा सा उदास खड़ी थी क्योंकि अब मेरे को पता था सुबह निकलना है और मुझे ऑलरेडी सपना आ गया है शेर का हो सकता है ना भी मिले बट एक होता है ना कि आपको अंदर से डर आ जाता है ऊपर से सब लोग यही कह रहे थे कि पे तो मंदिर में भी शेर आ जाता है जंगल में पूरे शेर ही शेर शेर ही है है अटैक भी करता मतलब था ऐसा था? अब बताती हूं, वही बताती हूँ <laughs> तो मैं खड़ी थी तो एक आश्रम के ही कोई था मेंबर वो आया मेरे पास कहते कि आ, क्या हुआ मैया आप इतने उदास क्यों खड़ी हो तो इतने आनंद बाबा जो मेरे साथ थे उन्होंने बोला इसको शेर का सपना आया तो उसने बोला कि अरे अभी कुछ टाइम पहले ही ऐसा हुआ था कि एक परिक्रमावासी गए उनको शेर मिला कुछ नहीं करना आपको तीन बार नर्मदे हर बोलना आपको कुछ नहीं होगा मैंने विश्वास नहीं किया टू तो बी ऑनेस्ट ऑल मैं परिक्रमा कर रही थी कहीं कही ना कहीं विश्वास भी था पर एक होता है ना सबकॉन्शियसली आपको डर भी लगता है तो हम लोग निकले सुबह चार बजे ग्रुप में थे हम लोग कुछ पंद्रह बीस लोग थे तो कुछ महाराष्ट्र के लोग थे वो काफ़ी जल्दी चलते हैं तो जल्दी चलने लग गए और मैं और ए, मैंने एक्चुअली पे बाबा के नाम रखे हुए थे सबके आप लोग जब मेरी बुक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत फनी फनी से क्यूट क्यूट से नाम मैंने रखे हुए जैसे साबुदाने वाले बाबा साइकिल वाले बाबा आनंद क्योंकि वहाँ पे सबको बाबा बोला जाता है और सबको मैया बोला जाता है आप और कुछ उनके नाम से बुला नहीं सकते तो मैं इसलिए सबके नाम साधु ही होते हैं वो नॉर्मल इंसानों को आप नॉर्मल थे वो लोग तो गृहस्थ लोग थे पर साधु भी थे सब लोग करते हैं ये परिक्रमा मेरे को साधु भी मिले साथ थे आपके साथ वो नॉर्मल मेरे साथ नॉर्मल लोग थे गृहस्थ लोग थे ठीक है तो साबुदाने वाले बाबा और आनंद बाबा हम लोग चल रहे हैं और पीछे एक बूढ़े मतलब एक बूढ़ा कपल था मैया बाबा उन्होंने बोला कि हम लोग काफी धीरे चलते हैं तो आप लोग हमें लेके चलो क्योंकि जंगल है और वो जंगल जो है थर्टी फोर किलोमीटर का है और आपको वन गो में पार करना होता है आप रुक नहीं सकते आपको उसको दो बजे से पहले पहले पार करना है क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा है तो इसलिए वो झुंड में ही आपको भेजा जाता है ग्रुप में भेजा जाता है तो कुछ आप सबने लठ वगैरह कुछ ले रखा चलिए मतलब हमारे पास एक दंड होता है हाँ। जब हम परिक्रमा उठाते हैं तो एक कमंडल होता है एक दंड होता है और पीछे बैग होता है तो वो दंड हमारे पास था तो हम लोग चलने लग गए तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि जो साबुदानी वाले बाबा थे उनको ना पेड़ से गम निकलता है तो उनको वो बड़ा पसंद था वो कहीं कहाँ के थे वो महाराष्ट्र के ही कहीं के थे और गांव के कहीं के थे तो उनको वो गम उन्होंने बोला ये बड़ा महंगा बिकता है शहरों में तो और उनको बहुत पसंद था वो निकाल के खा भी रहे थे इनफैक्ट उन्होंने मुझे भी टेस्ट कराया तो वो उसके पीछे पड़ गए थे एकदम पागल हो गए थे तो हम लोग चलते चलते मिड जंगल में पहुँचे और वहाँ पर फिर आनंद बाबा ने रियलाइज़ किया कि वो मैया बाबा जो थे वो पीछे छूट गए हैं तो उन्होंने बोला कि मैं उनको लेकर आता हूँ वो गए लेने के लिए और उन्होंने बोला कि इसके साथ ही रहना साबुदाने वाले बाबा को साबुदाने वाले बाबा चले गए उनको दिखा गम और वो भाग के गए हैं और उसके बाद मैं अकेली मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा और मैं इधर उधर देख रही हूँ पूरा घना जंगल कुछ भी नहीं है और फिर मैंने वो जगह देखी जो मैंने सपने में देखी थी सेम पीली मिट्टी और ऐसे जंगल और ऐसे ये वो शेर, वाली शेर वाली लोकेशन है जो आपने शेर वाली लोकेशन है और दो मिनट के बाद शेर आता है सामने से मस्त अपने मगन मगन में है वो झूमता खेलता अपना आ रहा है और उस दिन मुझे लगा कि अब तो मैं गई <laughs> और उसके बाद मैंने अपना बैग उतारा मैंने ऐसे बैठी कमंडल रखा डंड रखा और उसके बाद उसने मुझे देखा हमारा हुआ आई कांटेक्ट और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मैंने कुछ मिनट्स का था वो मिनट्स में नहीं सेकेंड्स होंगे और मैंने अपनी आँख बंद की और मैं चिल्ला के मैंने तीन बार बोला नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर मैंने आँख खोली शेर मुझे देख रहा था मुड़ के वापस चला गया कुछ नहीं हुआ आपने बहुत तेज शाउट करा हाँ नॉर्मल वॉइस जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर बस अच्छा शेर ने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा तो ऐसा माना जाता है कि जब आप मैया की परिक्रमा करते हैं आपने जो वस्त्र धारण किए हैं हम लोग मैया की मैया को साथ लेके चलते हैं नर्मदा माँ को बॉटल में रखते हैं उन्हीं की पूजा होती है और वही जल लास्ट में ओंकारेश्वर में चढ़ता है जब हमारी परिक्रमा पूरी होती है तो अगर आपके पास जल है माँ का आपको कुछ भी नहीं होगा ये परिक्रमा सदियों से होती आ रही है इसमें इतना डेंजर होता है बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं उसमें मतलब आपको ट्रैक करना होता है आपको शेर मिलेंगे आपको जानवर मिलेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें भूत प्रेत सब मिलेगा आपको लेकिन आपको कभी कुछ नहीं होगा वैसे रास्ता इसका जैसे बहुत लोग जाते हैं तो एक बना हुआ है ऑलरेडी उसी पे ही चलते हैं लोग या फिर ये ऐसा होता है नदी है नदी के किनारे किनारे चलना होता है okay. उन्हीं की परिक्रमा होती है ना नहीं तो ट्रैक सा बना हुआ है कुछ या... जंगल है झाड़ियां है पहाड़ है शहर के भी रास्ते आते हैं बीच में शहर भी पड़ता है बीच में फिर चार जंगल पड़ते हैं जैसे एक लक्कड़कोट की हो गई एक शूलपानी झाड़ी हो गई मंडला का जंगल हो गया और फिर अमरकंटक का जंगल हो गया तो ऐसे जंगल भी पड़ते हैं अच्छा कोई और जानवर भी दिखा शहर के अलावा मगरमच्छ अच्छा <laughs> हाँ मगरमच्छ दिखा था चलिए स्टोरी में थोड़ा आगे चलते हैं फिर उसके बाद आपकी जर्नी में फिर क्या होता है आप पास बाय करते हैं शेर वाला एरिया उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें हुई जैसे एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ हुआ तो बहुत कुछ है वो आप लोग जब मेरी बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा बट एक इंसिडेंट मैं बाबा से रिलेटेड बताना चाहती हूँ तो उस दिन नवरात्रे थी नवरात्रे की अष्टमी और मेरी आदत थी कि मैं डेली शाम को नर्मदा माँ के घाट पर बैठती थी और दिया जलाती थी ये मेरा डेली का रूटीन था और उनसे बातें करती थी तो मैं उस दिन और उस टाइम पे मेरे साथ एक मुझे एक लड़का मिला जो लड़की उस उन्होंने मतलब काफ़ी मेरी हेल्प की मेरी परिक्रमा पूरी कराने में तो बाबा तक जो मैं पहुंची अगर वो मुझे नहीं मिलते तो मैं बाबा तक भी नहीं पहुंच पाती तो उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की तो हम लोग घाट पर बैठे हुए थे और बैठे बैठे मैंने बोला कि यहाँ पर कल एक चिता जली है मैंने ऐसे बोला क्यों बोला मुझे नहीं पता मैंने बस बोल दिया कि यहाँ पर एक चिताजली कैसा होता है कि आप स्टेयर रिवर बैंक है स्टेयर्स होती है तो ऐसे फ्लैट सरफेस होता है तो और मैंने बोला यहाँ आसपास कोई शमशान घाट है तो मेरे साथ जो लड़का था उसने बोला तू पागल है क्या बोल रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है आपको बस वहम हो रहा है ये तो मैया का घाट है यहाँ पे कैसे ऐसा हो सकता है तो मैंने बोला तो वहाँ से एक लोकल कोई आदमी गुजर रहे थे तो मैंने उनको बोला नर्मदेहर बाबा जी तो उन्होंने बोला नर्मदेहर मैया मैंने कहा यहाँ आसपास कोई शमशान घाट है क्या तो उन्होंने बोला हाँ ये राब बगल में देखिए ना तो मैंने बोला अच्छा यहाँ पर कल कोई चिता जली है क्या तो उन्होंने बोला हाँ गाँव का कोई आदमी है उसकी चिता यहाँ पर जली है कल तो मेरे साथ जो लड़का था वो थोड़ा शॉकड हो गया कि तुझे कैसे पता चली ये बात तो मैंने बोला यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर चलते हैं यहाँ से तो मैं यूजुअली मैं स्नान भी करती थी मैया में, में बट मैंने उस दिन स्नान नहीं किया मैंने बोला यहाँ से चलते हैं तो उसने बोला कि ठीक है तो जब मैं चलने लग गई तो मुझे लगा पीछे किसी ने हाथ रखा है ऐसे तो मैं पीछे मुड़ी कुछ नहीं था ऐसा मेरे साथ तीन बार हुआ और मैं जाके फिर हम आश्रम में रुके थे आश्रम बने होते थे जगह जगह पर तो हम लोग अपने आश्रम में गए और मैं जाके सो गई सो गई तो सुबह के कुछ चार बज रहे होंगे मैं उठी और मैंने नॉट उठी एग्जैक्टली exactly, मैंने सपने में देखा कि मैं उसी घाट पर बैठी हूँ और मेरे हाथ में एक मिरर है और मैं उस मिरर को देख रही हूँ और पीछे मेरे एक आदमी दिख रहा है कुछ चालीस साल का होगा वो आदमी फिर मैंने मिरर हटाया फिर मैंने देखा फिर वो आदमी दिख रहा है तो मैं पीछे मुड़ी तो वो एकदम से मैं भागने लग गई उसको देख के और वो मेरे पीछे आने लग गया आने लग गया और मैं गिर गई जैसी मैं गिरी सामने से मैंने देखा वाइट धोती पहने एक लंबा सा आदमी और जनेब धारण किया हुआ था उन्होंने शक्ल मुझे नहीं दिखी उनकी और सामने से आ रहे और मैं हंस के कह रही हूँ अब मुझे मेरे बाबा आ गए दिख गए अब मुझे कुछ नहीं होगा अश्वत्थामा बाबा आ गए मुझे कुछ नहीं होगा और वो जैसे ही आते हैं वो मेरे सर पे हाथ रखते हैं और वो स्पिरिट जो है वो चली गई और एकदम से फिर मेरी आँख खुल गई जैसे उन्होंने मेरे हाथ सर पर हाथ रखा मैंने आँख खोली तो जो लड़का मेरे साथ था वो मुझे देख रहा था और मैंने कहा क्या हुआ कहते तू तो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी कि मेरे बाबा आ गए मुझे छोड़ दो और ये वो अब मेरे को कुछ नहीं होगा और ऐसे करके मैंने कहा हाँ यार मैंने ना कुछ अजीब सा सपना तो देखा तो मैंने कहा यहाँ से चलते हैं मुझे ये जगह ही थोड़ी अजीब लग रही है तो उसने बोला कि ठीक है तो मैंने अपना सामान वामान पैक किया मैं वहाँ उस आश्रम में उस दिन नहाई भी नहीं मैंने कहा मैं आगे नहाँगी मैं नहाई नहीं मैंने इतने उसने बोला जो मेरे साथ लड़का था उसने बोला कि मैं नहा के आता हूँ मैंने बोला ठीक है वो नहाने के लिए गया पता नहीं मुझे क्या हुआ मैं गांव में गई तो क्या था जंगल का एरिया छोटे छोटे गांव बने थे तो इतना हार्डली नहीं है चीज़ें पूछना है या वो करना तो मैं गई मैंने पूछा गांव में जाके कि यहाँ पे किसी की कल मृत्यु हुई है क्या अभी आसपास कल या दो तीन दिन में तो उन्होंने मेरे को घर बताया तो मैं पूछते पूछते पहुँची पहुंची तो मैंने थोड़ा क्योंकि हम लोग परिक्रमा में होते हैं ना तो हम लोगों को भगवान माना जाता है उस टाइम पे भगवान का दर्जा स्पेशली अगर कोई कुंवारी लड़की हुई परिक्रमा कर रही हो तो उनको साक्षात नर्मदा मैया का दर्जा दिया जाता है तो मैंने जाके सबको नर्मदे हर बोला थोड़ा अजीब लग रहा था मुझे बट उनके पिता थे तो मैंने उनसे पूछा कि आपका मतलब कैसे हुआ क्या हुआ तो उन्होंने बताया फिर मैंने बोला आपके पास कोई फ़ोटो है क्या उनकी तो उन्होंने बोला कि हाँ है तो मैंने कहा आप मुझे दिखाएंगे तो उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाई जब उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाई तो वो वही थे जो मैंने सपने में देखा था और आप मानेंगे नहीं कपड़े भी सेम पहने थे पिंक कलर की टी शर्ट थी फ़ोटो में भी पिंक कलर की टी शर्ट मेरे सपने में भी पिंक कलर की टी शर्ट अब आई डोंट नो वो पिंक कलर का क्या था बट ये मैंने देखा और फिर मैं वहाँ से उनको थोड़ा सा नमस्कार करके और थोड़ा उनको कंडोलसेंस देकर मैं वहाँ से भागी और मैं भागी और मैंने मेरे साथ जो लड़का था मैंने कहा चलो यहाँ से और फिर मैं वहाँ से चली गई अब थोड़ा आगे आते हैं आपकी मीटिंग पे आते हैं कैसे आप मिले उनसे और के वो कैसा हुआ जी तो एक लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बताती हूँ ऐसा हुआ था कि आ, हम लोग जब जा रहे थे तो मेरे को लोग वहाँ पे लोगों को अपने यहाँ पे पता भी लग गया था क्योंकि काफ़ी सारे साधु संत मुझे मिलते थे जो खुद ही अपने आप से बोल देते थे बाबा को ढूंढने आई है वो ऐसे भी मिलते थे और वो लोग मुझे रास्ता भी दिखाते थे वो लोग मुझे कहानियाँ भी बताते थे कि अच्छा तेरे बाबा के साथ ऐसा हुआ तेरे बाबा के साथ ऐसा हुआ क्या कुछ कुछ आप शेयर कर सकते हो तो जैसे एक मुझे साधु मिले उन्होंने बोला कि तू एक आ, शापित इंसान की पूजा करती है जब मैंने अपना आसन लगाया हुआ था और मैं पूजा कर रही थी तो तब तक मुझे बाबा की फ़ोटो मिल गई थी वो भी एक चमत्कार है जिस तरीके से बाबा ने मुझे अपनी फोटो दी थी तो मैंने वो तेल की शीशी हटा के अब वो फ़ोटो का स्थान बना दिया था तो मैं उनकी पूजा कर रही थी तो वो फोटो की स्टोरी अभी आगे बताएंगे आपको कहां से जी मुझे? आगे बताती हूँ कैसे बताती हूँ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आ, उन्होंने देखा कि ये कौन है तो मैंने बोला ये अश्वत्थामा बाबा है तो उन्होंने बोला ये तुझे कैसे मिली फोटो तो मैंने कहा मुझे बाबा ने दी तो उन्होंने बोला कि तू एक शापित इंसान की पूजा कर रही है तुझे नहीं लगता तेरा जीवन कष्टों से भर जाएगा शापित इंसानों की पूजा हमारे शास्त्रों में नहीं होती है और उनका जो श्राप है वो तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में तो मैंने हंसकर उनको सिर्फ एक ही जवाब दिया अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्चय विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्त अतय चिरंजीविना सप्तान संस्मरण निम मार्कंड्य मथाष्टम जीवेद वर्ष शतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जिता अर्थात जो ये हमारे सप्त चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा बाबा बलीजी राजा बलि व्यास जी परशुराम जी विभीषण हनुमान जी वेद व्यास जी ये सप्त चिरंजीवी हैं और इन सप्त चिरंजीवी के साथ जब आठवें चिरंजीवी मार्कंड्य ऋषि का नाम स्मरण किया जाता है तो उस इंसान की जो आयु होती है वो सौ साल की होती है और वो निरोग होता है उसको कोई रोग नहीं होता अब सबसे बड़ी बात ये है आप देखेंगे सौ साल की आयु वो कलयुग में है उससे पहले आयु लोगों की काफ़ी बड़ी होती थी तो सौ साल की आयु मतलब ये जो मंत्र है ये कलयुग का ही मंत्र है ये कलयुग के लोगों के लिए ही ये मंत्र है बस फर्क ये है कि लोगों को पता नहीं है अब लोगों को पता नहीं है तो वो बोलते हैं कि अच्छा वो तो शापित है तो तुम पूछ क्यों रही हो और ये मंत्र ऐसा नहीं है मैंने बनाया है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है तो ये मंत्र डेडिकेटेडली हमारे जितने भी चिरंजीवी हैं उनके अष्ट चिरंजीवियों का मंत्र है ये ये मंत्र आप क्या, आ गया है, कैसे ये मंत्र मुझे परिक्रमा पर डाउनलोड हुआ एक्चुअली मैं इसको ये बोलूंगी मैंने मैंने बाद में इसको शास्त्रों में पढ़ा हमारे जब मैं परिक्रमा से वापस आई बट वहाँ पे मुझे एक और मंत्र डाउनलोड हुआ जो बाबा का स्पेशल मंत्र है वो मंत्र मेरे बुक में है लाइफ ऑफ लिबरेशन अ बून ऑफ अ विश पुरुष अश्वत्थामा जो अभी रिलीज हो चुकी है आपको कॉपीज आप अमेजोन पे आपको मिल जाएगी वो कॉपी तो उसमें वो मंत्र है जो स्पेसिफिकली अश्व बाबा के लिए है ओके okay, ठीक है अब बहुत से लोग जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो वेट कर रहे हैं कि आपके दर्शन कैसे है वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका थोड़ा वो बताइए जी लेकिन उससे पहले मैं बाबा की फोटो का बता देती हूँ है ना कि वो कैसे मिली तो बाबा की फ़ोटो ऐसा हुआ कि हम एक आश्रम पर रुके और मैं थोड़ा सा डरी डरी रहती थी सहमे-सहमे सी हालांकि मैं खतरे मैंने बहुत पार किए हैं लेकिन थोड़ा एक मन में रहता था मैं लोगों से थोड़ा कम बात करती थी तो वहाँ पर एक साधु बोलेंगे संत थे और वो उन्होंने सुबह से वो मुझे नोटिस कर रहे थे और मैं परेशान थी क्योंकि मैं शूलपानी जंगल में थी और पार हो चुकी थी और सब लोग बोलते थे कि शूलपानी जंगल में बाबा दर्शन देते हैं और मेरे को बहुत उम्मीदें थी कि शूल पानी जंगल में मुझे मेरे बाबा मिलेंगे और मुझे नहीं मिले मेरा जंगल पार हुआ और मैं उस दिन बहुत उदास थी क्योंकि मेरे को एक डेढ़ महीना हो चुका था ना ही मुझे बाबा मिले ना ही मुझे उनकी कोई कहानी मिल रही थी कुछ भी नहीं मिल रहा था तो मैं काफ़ी उदास थी और मैं चुपचाप खड़ी थी तो एकदम से आए और उन्होंने मुझे बोला उन संत ने क्यों परेशान है तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं कहते बाबा नहीं मिले तो आई वॉज शॉक्ड कि उनको ये बात कैसे पता है कि बाबा नहीं मिले तो फिर उन्होंने आ, मुझे बोला कि बैठ उन्होंने बोले ये जो बेल्ट है ना शूलपानी झाड़ी की ये बाबा की ही बेल्ट है अमावस के दिन और पूर्णिमा के दिन तुम्हें एक मशाल चलती हुई दिखेगी यहाँ से फिर उन्होंने बोला कि अच्छा चल मेरे साथ चल तो मैंने बोला कहाँ तो उन्होंने बोला कुटिया है मेरी वहाँ पर चल तो मैं डर गई उस टाइम पर कि ऐसे कैसे ग्यारह बज रहे थे रात के तो मैंने कहा ऐसे कैसे मेरे को कुटिया पर लेके जा रहे आई आवे सो स्कैड तो लेकिन उन्होंने बोला डर मत चल मेरे साथ तो मैं हिम्मत करके गई पूरा अंधेरा और रखा था मैंने फ़ोन से टॉर्च जलाया और उन्होंने मेरे हाथ में एक फ़ोटो थमाई मैंने वो फ़ोटो देखी तो मैंने कहा आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं तो उन्होंने बोला चल बाहर चल तो हम कुटिया से बाहर आए लाइट में तो उन्होंने बोला फोटो को देख मैंने फ़ोटो देखी तो मेरे को समझ नहीं आया तो फिर उन्होंने बोला यही चाहिए था ना तुझे मैंने कहा कि तेरे बाबा की फ़ोटो तो मैंने फ़ोटो देखी तो मैंने बोला हाँ ये तो बाबा की फ़ोटो है और मैं रोने लग गई वहीं पर कि ये बात तो मैंने किसी को बताई ही नहीं थी ये बात इन बाबा को कैसे पता ये बात मैंने अश्वत्थामा बाबा से डायरेक्टली बोली थी परिक्रमा पर आने से पहले तो मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं ये तो आपकी है प्लीज़ आप इसको रखिए कहते ये तेरे लिए ही है अब मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हुआ अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अब मैं नहीं मिलूँगा तुझे और उन्होंने मुझे वो दिया और मैं लेके गई और उन्होंने बोला अब तू जाके सो जा साढ़े ग्यारह बच्चों के थे तो मैं गई सोने के लिए और फिर मुझे नींद नहीं आई मैं वापस उठ के आई तो उन बाबा को ढूंढते ढूंढते आश्रम वालों का जो कक्ष होता है वहाँ पहुँची मैंने कहा वो बाबा कहाँ हैं तो कहते वो तो गए तो मैंने कहा कहाँ गए तो कहते कि उन्होंने बोला मेरा काम पूरा हुआ और वो वहाँ से चले गए और फिर मैं नेक्स्ट डे ही मैं सुबह उठी और मैंने उनकी आरती लिखी और फिर उनकी आरती से मैं डेली उनकी पूजा करने लग गई फोटो की डिस्क्रिप्शन दे सकते हो थोड़ी फोटो मेरे पास है दिखा अगर, दिखा अगर आप लोग देखना चाहे तो जी जी दिखा दो देखिए ये अश्वत्थामा बाबा की फोटो है जो मुझे मिली थी ये अश्वत्थामा बाबा हैं ऋषि मुनि अश्वत्थामा तीर्थ क्षेत्र सतपुड़ा अच्छा ठीक है ये ही वो पहाड़ी है जहाँ पर बाबा रहते हैं ये जगह है इसको भीमकुंड कहते हैं और यहाँ पे ये पहाड़ी है एक और मूर्ति है यहाँ पे इस पहाड़ी पर यहाँ के पुजारी को मिली थी जो स्वयंभू मूर्ति है और वो कितनी पुरानी है किसी को नहीं पता है ये आप रख दीजिए हाँ आपको देखना आप देख लीजिए तो आपको ये फ्रेम के साथ मिली थी या मुझे ये फ्रेम मैंने फ्रेम चेंज कराया क्योंकि ये क्या टूट जाता था बार बार क्योंकि परिक्रमा पर जंगलों में चलना बैग में कैरी करना तो वो मैं चेंज कराती रहती थी जहाँ पे भी शीशा टूट गया या फ्रेम निकल गई या कुछ ऐसा हो गया ये साइड साइड में क्या बना हुआ है जी दिखाइए ये यहाँ के एक तो यहाँ पे जूना स्तंभ होगा लिखा हुआ देखिए उस तरफ जूना स्तंभ लिखा है जी, तो ये जूना स्तंभ जो है ये जगह है ऐसा बोलते हैं वहाँ के आदिवासी लोग कि बाबा को जब कर्ज मिला था तो उन्होंने यहीं आकर तपस्या की थी यहीं आकर बैठे थे और फिर जब लोग आने लग गए जब गाँव बसने लग गए तो फिर वो पहाड़ी पर चले गए तो आज भी जब वो यहाँ पे बैठे थे तो यहाँ पे एक स्वयंभू शिवलिंग विद नंदी जी निकली हुई हैं वो भी आ, मेरे पास है मैं आपको दिखा दूंगी और ये साइड में जो ये ये वहाँ के देवता हैं उनके जो लोकल देवता होते हैं वो हैं अच्छा तो, तो मतलब ये पूरी उस जगह का डिस्क्रिप्शन है ये वो जगह है पूरी हाँ ये झंडा ये कोई मंदिर है वहाँ पे ये, ये बाबा का वो जो झंडा है वो पहाड़ी पर झंडा है और वहीं पर बाबा का स्थान है वहाँ पर गुफा है उस गुफा के अंदर सकते हैं झंडा देखते 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 जा सकते हैं अगर बाबा बुलाएंगे तो मिलेंगे ही मिलेंगे ऐसा कुछ गुफ़ा के अंदर वो रहते हैं अगर आप उनको पुकारेंगे मैंने पहले ही बोला अगर आप उनको बोलेंगे कि बाबा दर्शन दीजिए तो ज़रूर मिलेंगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे मिले हैं किसी को भी मिल सकता है मैं ये क्लेम नहीं करती मैं इकलौती हूँ जिसको मिले हैं अगर आप लोगों को भी मिलना है उनको बोलिए मुझे दर्शन दे तो वो आपको ज़रूर मिलेंगे ओके okay. और इसके पीछे एक और रीज़न है आप देखेंगे तो उस आ, हर युग में ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ऋषि मुनियों के सामने देवता भी सर झुकाते हैं आप इसमें देखिए सतयुग में देखिए ऋषि भृगु हो गए ऋषि कश्यप ऋषि अंगीरा अगर हम इसकी त्रेता युग की बात करें तो ऋषि वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र द्वापर की बात करें वेद व्यास लेकिन कलयुग में ऋषि कहाँ हैं है ही नहीं जबकि ऋषि तो होने ही चाहिए हर युग में हर युग में रहे हैं तो ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि कलयुग के जो ऋषि हैं वो अश्वत्थामा बाबा हैं वो कलयुग के महर्षि हैं, वो ब्रह्म ऋषि हैं एक्चुअली महर्षि भी नहीं वो ब्रह्म ऋषि है तो अभी सातवीं साइकिल चल रही है हाँ। मतलब युग और हर युग में सेम चीजें होती है आ, ऐसा बोलते हैं कि रिपीटेड चीजें होती हैं, बट मुझे नहीं लगता हर एक अलग जर्नी होती होगी हो वरना हिस्ट्री कैसे बनते आती अगर रिपीट ही होती रहती तो हिस्ट्री नहीं बनती कुछ चीज़ें सिमिलर होती होंगी कुछ अलग जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अब क्या होता है लोग ग्रंथ नहीं पढ़ते इसलिए लोग अपनी बातें करते हैं अब जैसे ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है ग्रंथ में ये बात लिखी है कि जो आठवां मनवंतर नेक्स्ट मनवंतर आने वाला है उसमें अश्वत्थामा बाबा सप्तऋषि होने वाले हैं अच्छा सप्त और सप्तऋषि होते क्या हैं सप्तऋषि क्या होते हैं सप्तऋषि होते हैं जो हमारे वो लीनियज गोत्र होती, होती, हाँ। हाँ। uh, होती है स्पिरिचुअल लीनियज होती है लीनियज होती है तो वो सप्तऋषि होते हैं अश्वत्मा बाबा सप्तऋषि होंगे साथ ही जो द्वापर युग आने वाला है अब आठवें मनवंतर के उसके जो व्यास होंगे वो अश्वथामा बाबा होंगे जो वेदों का विभाजन करेंगे जो पूरी महाभारत लिखेंगे महाभारत नहीं हर युग में अभी तक अट्ठाईस व्यास हुए हैं ये उनतीसवें होने वाले हैं तो क्या होता है कि जब चार युग खत्म होता है जब सृष्टि पूरी ख़त्म होने के आती है हर युग के एंड में तो वहाँ पे एक व्यास होते हैं जो वेदों का विभाजन करते हैं फिर से वेदों को दुनिया के लिए तैयार करते हैं लाने के लिए तो उसमें उन्नीत ये अट्ठाईसवें हो चुके हैं और जो ट्वेंटी होंगे वो अश्वत्था बाबा होंगे तो ये उनकी जर्नी है कलयुग के ब्रह्म ऋषि है वो उनको श्रापित योद्धा बोल के लोग ट्रीट करते हैं इससे पहले कौन करता था जैसे अभी इससे पहले वेद व्यास अच्छा वेद व्यास है अभी के जो हैं वो वेद व्यास है उन्होंने महाभारत लिखी वेदों का विभाजन किया ओके और आपके नॉलेज में कलयुग की बात की जाए तो ये कितने सालों का कलयुग कुछ ये कलयुग के चार वो होते हैं ये चार लाख बत्तीस हजार कुछ सालों का है एक लाख कुछ में वो डिवाइड होता है तो अभी हम हमने कुछ पाँच हजार एक सौ कुछ वर्ष पूरे कर लिए हैं अभी तो बहुत साल है अभी बहुत साल है बहुत ज्यादा हाँ जी <laughs> आपके एनकाउंटर की बात करते हैं अब जी <laughs> मेरे एनकाउंटर की बात करते हैं तो हुआ ऐसा कि मैं उस गांव में पहुंची ठीक है गांव में पहुंची तो मेरा एक डिवोशन बाबा को लेके अलग है मतलब मेरी पूजा मेरा पाठ थोड़ा अलग है उनको लेके तो जूना स्तंभ जो मैंने अभी आप लोगों को जगह बताई मैं वहां पर गई

पता चला बट मेन वो अलग अलग रूपों में मिले थे तब जो मेन मुझे असली रूप में मिले वो मुझे यहाँ पर मिले ठीक है तो मैं वहाँ पर पहुँची और मैं पूजा पाठ कर रही थी और फिर मैं शाम को कुछ सात आठ रहे होंगे तो वहाँ पे ऐसे बेंचेस लगे हुए हैं और सामने पहाड़ी है उस पहाड़ी पर बाबा रहते हैं तो मैं ऐसे बैठ के सोच रही थी और मैं ये सोच रही थी कि वहाँ पर दरअसल औरतों को जाना अलाउ नहीं है उस पहाड़ी पर औरतें औरतें नहीं जा सकती तो मैंने बोला बाबा मुझे बुलाया क्यों फिर अगर औरतें जा ही नहीं सकती तो मेरा तो आना ही वेस्ट हो गया क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँची और मुझे पता लगा कि औरतें नहीं जा सकती हैं तो मेरे को बहुत बुरा लगा मैंने मन में ही बोला मैंने कहा बाबा आपने परीक्षित को मारा मैंने कुछ आपको जज नहीं किया सारी दुनिया ने आपको जज किया कृष्ण जी ने आपको कर्ज दिया आपको जज किया गया मैं मैंने आपको बिल्कुल जज नहीं किया लेकिन यहाँ मैं जज करूँगी आपने एक औरत के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और अब आप औरतों को ही आपके पास नहीं आने दे रहे ये बात तो गलत है और मैं ये बात उनको बोल रही हूँ बैठ के इतने गांव के सब लोग आते हैं और सब लोग ऐसे इकट्ठा होके मेरे से बात करने लग जाते हैं तो वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं कि हमारे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है और ऐसे करके रैंडमली बिल्कुल आपने पूछा ना, ना मैंने कुछ। पूछा कुछ नहीं अपने आप ही बताने लग गए तो मैंने उनको बोला कि सब ठीक हो जाएगा और ऐसा करके तब तक एक काफ़ी बूढ़ी औरत थी अगर तुझे बाबा ने बुलाया है ना तो तुझे आ, सपना आएगा रात को अच्छा हाँ उन्होंने मुझे ये बात बोली मैंने बोला ठीक है और हम लोग रात को सोने के लिए गए आ, हम लोग एक्चुअली जिनके यहाँ रुके थे ना हम लोग बाहर की तरफ सो रहे थे क्योंकि मुझे पहाड़ी देखते हुए सोना था तो हम लोग उनके घर में नहीं सोए अपना आसन बाहर की तरफ जैसे एक कैसा आंगन सा होता है तो उस आंगन टाइप का था और वहाँ पर हम लोग सोए हुए थे सडनली बारह बजे मेरी आँख खुलती है और मेरी आँख खुली और मैं पहले तो मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे को बाहर जाना है तो मैं बाहर मैंने उस लड़के को जगाया और मैं बाहर गई मैंने पहाड़ी पर देखा फिर उसने बोला कि सो जा अभी तेरे को ऐसा कुछ मेरे को कुछ लगा कि कुछ हुआ तो उसने बोला कि तू तो सो जा मैंने बोला ठीक है मैं वापस आई और मैं आके सो गई वो लड़का सोया मैं फिर उठी मैं फिर उठी मैं फिर बाहर गई तो मैंने देखा पहाड़ी पर नहीं पर पहाड़ी के नीचे आग जल रही है और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई बुला रहा है पर मुझे समझ में नहीं आया और कुछ नहीं था मेरे हाथ में ना टॉर्च ना कुछ मैं चल पड़ी अंधेरे में पूरा अंधेरा और वहाँ पर भी जंगली जानवर रहते हैं और मैं चल पड़ी चलते चलते मैं भीमकुंड पहुंची मैं पहाड़ी पहुंची मैं आदि पहाड़ और वो पहाड़ी चढ़ना बहुत टफ़ है बहुत टफ़ मतलब नॉर्मल इंसान उसको नहीं चढ़ सकता खड़ी पहाड़ी है वो एकदम सीधे खाई में गिरने का खतरा होता है और मैं अंधेरे में जहाँ पे लाइटें भी नहीं हों उसमें चल रही हूँ और वहाँ पे बट आदिवासियों ने ये किया हुआ है कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगा रखी है पहाड़ी पे तो थोड़ा आपको उजाला मिलता है मैं चली चलते चलते वो पॉइंट आया जहाँ पे मैं थक के ना लाइक मैंने ऐसे अपने घुटने ऐसे करके और नीचे की तरफ देखने लग गई और ब्रीद इन ब्रीद आउट करने लग गई मैंने एकदम से ऊपर देखा तब तक मैंने देखा कि सामने एक आदमी है काफी लंबी हाइट है और हाइट में मैथ्स में थोड़ी वीक हूँ तो मैं एग्जैक्ट हाइट नहीं बता सकती बट काफी लंबे थे नॉर्मली आपको इतने लंबे लोग नहीं, देखने नहीं दिखते हाँ वाइट कलर की धोती पहनी थी एंड उन्होंने जनेव पहना हुआ था और आ, वो स्काफ़ लिया हुआ था शॉल नहीं था स्काफ़ था बाल उनके बहुत लंबे हैं बाल उनके उनके टोज तक आते हैं सर से लेके टोज तक पूरे शरीर पर उनके बाल आगे आते हैं काफ़ी लंबे और सफ़ेद बाल हैं उनके तो वो पूरे टोज तक आते हैं और यहाँ पर उनका कुछ भी नहीं था उन्होंने कपड़ा आ, बांधा हुआ था बांधा हुआ फेस था ओल्ड था, था फेस उनका काफ़ी डिवाइन था मतलब उनका फेस दाढ़ी है उनकी ओल्ड है फेस ओल्ड है बट आ, कैसे होता है कि आप फिट होते हो आजकल की भाषा में बोलेंगे कि आप ओल्ड हो बट आप फिट हो तो वो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो ऐसे फिट बट वो काफ़ी मतलब यू नो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई घाव है कुछ है मतलब हट्टे कट्टे कह सकते हैं उनको ऐसे वो थे और मैं जब पहुँची तो मुझे लगा कि वो बाबा हैं मेरे मैं गई मैंने बोला अश्वत्थामा बाबा कहते नहीं मैं नहीं हूँ कहते मैं खुद उनका इंतज़ार कर रहा हूँ तो मैंने बोला कि आप क्यों उनका इंतज़ार कर रहे हो तो उन्होंने बोला तू क्यों इनका इंतज़ार कर रही हो तुम क्यों उनका इंतज़ार कर रहे हो मैंने कहा मुझे मिलना है तो इसलिए मैं यहाँ पर उनका इंतजार कर रही हूँ आप कब से उनका इंतज़ार कर रहे हो तो उन्होंने बोला मेरे को काफ़ी दिन हो गए उनका इंतज़ार करते हुए तो फिर मैंने कहा आपको बाबा के बारे में क्या पता है अशवत्थामा बाबा के बारे में तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि जितना तुझे पता उतना मुझे तो नहीं पता पर मैं तुझे कुछ बातें बताता हूँ और उन्होंने मुझे बातें बताई अपने लिब्रेशन की कि उनका मोक्ष का रास्ता कैसे बनेगा तो मैंने बोला अच्छा तो फिर उन्होंने बोला लेकिन अभी तो थक गई है एक काम कर तो कुछ खा ले तो उन्होंने मुझे वहीं पर चूल्हा था वो आग जो मैंने देखी थी वो चूल्हे की आग थी तो वहाँ पर चूल्हा था उसमें एक घड़ा रखा हुआ था उसमें से उन्होंने मुझे चावल निकाल के दिए और वो चावल इतने बड़े होंगे सिंगल जो चावल हो तो नॉर्मल चावल नहीं थे वो इतने बड़े चावल थे तो, तो मैंने वो खाया और वो सादे चावल थे बस और वो उसका स्वाद मुझे आज तक नहीं समझ आया है मैंने ऐसे चावल नहीं खाए वो चावल क्या थे मुझे नहीं पता फिर उन्होंने वापस से कहानी बतानी आगे मुझे शुरू की कैसे कैसे क्या होगा तो फिर मैंने बोला कि मैं भी आपके साथ यहाँ पे इंतज़ार करती हूँ जब तक बाबा नहीं आते तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है अभी मेरे पास खाने पीने की सामग्री थोड़ी ख़त्म हो गई है तो एक काम कर तू नीचे जा और तू नीचे जा के सामग्री ले आ फिर हम दोनों यहीं पे इंतज़ार करते और जब बाबा आएंगे तो हम लोग साथ में उनका दर्शन करेंगे तो मैंने बोला ठीक है मैं जा रही थी तब उन्होंने मुझे बोला कि तूने बाबा की मूर्ति के दर्शन किए मैंने कहा मूर्ति कौन सी मूर्ति तो उन्होंने बोला कि ऐसा बोला जाता है उन्होंने बताया मुझे उन जो बाबा मुझे ऊपर मिले उन्होंने बताया मुझे कि ऐसा बोला जाता है कि अश्वत्थामा बाबा के दर्शन से पहले आपको उस मूर्ति के दर्शन करने पड़ते हैं तो मैंने कहा ये मूर्ति कैसी है तो उन्होंने बोले ये मूर्ति बहुत पुरानी है किसी को नहीं पता ये मूर्ति कैसी है ये स्वयंभू मूर्ति है जो इस पहाड़ी पर यहाँ के पुजारी को मिली थी और तब से वो मूर्ति यहाँ के लोगों की रक्षा करती है और वो मूर्ति यहाँ के पुजारी के घर में रखी हुई है और उन्होंने मुझे रास्ता भी बताया कि यहाँ से सीधा जाना ऐसे करके पहाड़ी पे आ गई या गांव की गांव की तरफ हम मैं पहाड़ी पे अभी चढ़ी नहीं हूँ मैं पहाड़ी के नीचे ही हूँ okay. तो उन्होंने मेरे को पहाड़ी से नीचे जाके रास्ता बताया कि यहाँ से सीधा जाना और ऐसे दो किलोमीटर पर उनका घर आएगा और उनके दर्शन करना और फिर ऊपर सामग्री लेके आना तो मैंने बोला ठीक है तो हम लोग गए और मैं जैसे नीचे पहुंची तब तक मुझे मिलन मिला जो लड़का जिसने मेरी हेल्प की थी तो उन्होंने उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ तो मैंने कहा चलो कहीं चलना है तो उन्होंने बोला कहाँ तो हमने तब हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी थी तो हमारे पास एक मोटरसाइकिल थी तो हमने वो ली और हम लोग चलने लग गए चलने लग गए हम लोग उस जगह पर पहुँचे पूछते पूछते तो मिलन ने मुझे बोला कि पहले आप जाओ क्योंकि आपके बाबा वो थोड़े सबको मेरे डिवोशन के बारे में वहाँ पर पता था तो मैं गई और जैसे ही मैंने मूर्ति देखी तो मैं रोने लग गई वहाँ पर क्योंकि जो मूर्ति मैंने देखी और जो बाबा मुझे ऊपर मिले थे वो सेम थे ओ। वही अश्वत्थामा बाबा थे और मैं इतना रोई हूँ उस टाइम पर बहुत ज़ोर ज़ोर से मैं रोई हूँ फिर मैंने उस मूर्ति को छुआ वो मूर्ति मतलब तस्वीर थी मूर्ति मूर्ति है thi, वो। carved मूर्ती। carved मूर्ती है वो And वो एंड सेम सेम बनी बनी हुई हुई थी थी जो आपको थी जो आपको बाबा मुझे ऊपर मिले थे ओ। तो मैं बहुत रोई बहुत ज्यादा रोई और उसके बाद मैं भागने लग गई गांव की तरफ तो मिलिन ने गया उसने भी दर्शन किए और मैंने मूर्ति को छुआ मैंने मूर्ति को साफ किया और जैसे ही मैंने मूर्ति को छुआ तो और भी कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे रियलाइज हुई जो मेरा उनसे कनेक्शन क्या है जो मेरा कनेक्शन क्या है और मैं क्यों ढूंढते ढूंढते इनको आई क्यों उन्होंने मुझे अपने लिब्रेशन का रास्ता बताया वो सब मुझे समझ में आया और मैं भागने लग गई भागते भागते मैं गाँव में पहुँची तो गाँव के लोग इकट्ठा हुआ और उन्होंने बोला क्या हुआ मैंने कहा कुछ नहीं मैं बाबा की मूर्ति के दर्शन करके आ रही हूँ तो उन्होंने बो मतलब वो शॉक्ड थे सब लोग उनको समझ में ही नहीं आ रहा था तो जो बूढ़ी माएँ जिन्होंने बोला था मुझे सपना आएगा उन्होंने मुझे बताया कि तू पहली लड़की है जिसने इस मूर्ति के दर्शन किए आज तक किसी औरत ने इस मूर्ति के दर्शन नहीं किए बाप रे तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया मैंने कहा अभी आप सब लोग हटो मैं जा रही हूँ फिर से उसी जगह पे मुझे जाना था क्योंकि सुबह हो चुकी थी तब तक तो मैं वापस उस जगह पे जाने लग गई उस जगह पर मैं गई तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था ना चूल्हा था ना आग थी ना बाबा थे कुछ भी नहीं था फिर मैं वहाँ पर बैठी जो मंत्र मुझे उनका मिला है वो मंत्र मैंने चैंट किया और जब मैंने वो चैंट किया तो मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दी कुछ चीज़ें पता चली और भी चीज़ें वो सब अगेन मेरी बुक में आप लोगों को मिलेगा तो ये था मेरा उनसे इनकाउंटर बापरे अच्छा मैं एक और चीज़ उनके बारे में बताती हूँ लोगों को ये लगता है कि आ, ऐसे लोग कहानियों में भी बताते हैं या लोग बोलते हैं कि हमें अश्वत्थामा मिले और ऐसे करके तो वो बूढ़े रूप में मिले उनको पूरा वो हो रखा है घाव हो रखा है अभी भी रक्त बहता है स्मेल आती है ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है उनका जो कर्ज था वो पाँच हज़ार साल तक का था कि ऐसे वो जो उनका कर्ज था वो वहीं पर एंड हुआ है मतलब ये जो घाव रक्त ये सब जो था वो पाँच हज़ार साल तक का था अब जो उनकी जर्नी है वो जर्नी उनके ब्रह्म ऋषि बनने की जर्नी है और यहाँ से जो बोला जाता है रक्त है वो रक्त नहीं है वो बंजर जैसे जमीन होती है खोखली वैसी है पर वो दिखता है पॉइंट की वो शेप बनी हुई ऑलरेडी हाँ वो इतना बड़ा पॉइंट है वो ऐसे है क्योंकि जब उन्होंने मेरे को चावल दिए थे तो उनका वो हटा था बट क्या होता है कि आपके सामने जब कोई एंटिटी आती है डिवाइन आपकी सदबुद खो चुकी होती है और वो एंटिटी भी मेक श्योर करती है कि वो आप ना पहचान पाओ बिकॉज वी आर ह्यूमन हम उनसे चैलेंज नहीं कर सकते हम ये सब नहीं कर सकते तो मैं अपनी सदबुद्ध खो चुकी थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पर देन बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया तो ये उनका खोखला है तो जो भी लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि रक्त बहता है और घाव है बूढ़े हैं कोड़ी हैं मुझे नहीं पता उनको मिले हैं दर्शन नहीं मिले हैं मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती मिल भी सकते हैं बट फिलहाल अभी ऐसा नहीं है वो पेन में नहीं है वो अपनी तपस्या कर रहे हैं वो अपनी सप्तऋषि बनने की जर्नी को जीने की कोशिश कर रहे हैं ब्रह्म ऋषि हैं वो कलयुग के ब्रह्म ऋषि हैं और अगर आप उनको गुरु मान के उनको पुकारेंगे या उनकी पूजा करेंगे तो आप सबको सब कुछ मिलेगा लेकिन अभी क्या होता है आजकल कि बाबा की वीडियो दिखाई जाती है और हॉन्टेड से एक म्यूज़िक लगा दिया जाता है हॉरर सा म्यूजिक वो आज भी भटक रहा है वो द्रोण का पुत्र नहीं है ऐसा प्लीज़ आप लोग उनको डिवाइन की तरह पूजो क्योंकि वो सप्तऋषि हैं वो व्यास हैं वो कोई यू uh, नो you know, कोई मिस्टीरियस कैरेक्टर नहीं है दुनिया क्या कर रही है उनको मिस्टीरियस कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रही है इज़ ये नहीं करना चाहिए hmm. आपने वो जो मूर्ति देखी थी जो आपने मूर्ति के दर्शन किया था उधर ही है वो वो मूर्ति उधर है वो नहीं आ सकती मेरे पास फोटो है उसके अच्छा। क्योंकि मैंने फोटो ले ली थी फोन में ले ली थी फोन में ले ली थी इनफैक्ट मैं अभी वापस से अपनी किताब लॉन्च करने से पहले मैं अपनी किताब की एक कॉपी बाबा की पहाड़ी पर रख के आई हूँ अच्छा जी उनको समर्पित किया है मैंने क्योंकि मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ तो मैं उनको चढ़ा के आई वो फ़ोटो और मैं उनके लिए कुछ कपड़े बनवा के लेके गई थी क्योंकि जब से वो मूर्ति उत्पन्न हुई है तो वस्त्र नहीं पहने उस मूर्ति ने तो मतलब ऐसा नहीं है मूर्ति में अपने वस्त्र पहने हुए लेकिन एक आप भी तो अलग से पहनाते हैं ना तो बट आदिवासी उनको वैसे ही रखते हैं वहाँ के लोग उनका ये कहना है कि हम कुछ चेंज नहीं करेंगे तो मैं गई मैंने खीर भी बनाई उनके लिए क्योंकि बाबा को खीर बहुत पसंद है तो मैंने खीर का भोग लगाया पहाड़ी पर भिजवाया खीर और इधर मैंने कपड़े बनवा के मैं यहाँ से लेके गई थी तो मैंने उनको कपड़े पहनाए मैंने जनेब पहनाया मैंने धोती बनवाई थी तो ये भी ऐसा हुआ था कि उन लोगों ने मना कर दिया था उन लोगों ने कैसे किया हाँ उन लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं औरत नहीं जाएगी औरत नहीं करेगी आप एक काम करो आप पुजारी जी को दे दो वो पहना देंगे और मुझे था कि मैं ही पहनाऊँगी तो मैंने मन में ही बोला मैंने कहा बाबा अगर मैंने नहीं पहनाया आज आपको वस्त्र नहीं पहनाए मैं दोबारा इस गांव में कभी कदम नहीं रखूंगी मैं दोबारा आपके बारे में कभी बात नहीं करूंगी मैं भूल जाऊंगी आपको मैं कभी इस गांव में नहीं आऊंगी और ऐसा हुआ मेरी फ्रेंड मेरे साथ गई थी मेरी मम्मा मेरे साथ थी और गांव के दो औरतें भी थीं फर्स्ट टाइम उन औरतों ने भी मेरे साथ ही बाबा की मूर्ति के दर्शन किया उससे पहले उन्होंने भी नहीं किया था और उस दिन वो पुजारी उस घर में नहीं थे अगर वो पुजारी होते तो दर्शन नहीं हो पाता साथ ही जो मेरे साथ जो मैया गई थी उनका बेटा था वो बेटा हमें छोड़ने तक आया पर घर में नहीं गया तो मैं खुद भी गई मेरे साथ चार औरतें और गई और उन्होंने दर्शन किए मैंने कपड़े पहनाए और फिर हम वापस आए तो वो जो मूर्ति की जो तस्वीर है वो हम पॉडकास्ट में लगा सकते हैं फिर वो भी आपकी किताब में ही आएगी नहीं मेरी किताब में तो है वो किताब के एंड में उस मूर्ति की फ़ोटो है आप लोग लगा सकते हैं मैं आप लोगों को दे दूँगी ताकि व्यूअर्स को भरोसा हो कि मेरी जर्नी सच है क्योंकि यह हार्ड टू बिलीव है आई नो दैट लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि इस मूर्ति का गलत यूज़ ना किया जाए कि कहीं पे भी कोई रील बना के उसमें ऐड कर दिया जा रहा है कोई गाना लगा दिया जा रहा है ये अश्वत्थामा की मूर्ति ये सब ना किया जाए ये मेरी रिक्वेस्ट है तभी मैं आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग दिखा सकते हैं उसको ठीक है औ awesome जी मज़ा आ गया आपसे बात करके और आपका एक्सपीरियंस जान के और आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आएगा तो अगर आपको और जानना है इन मैम की जर्नी के बारे में तो बुक ज़रूर पढ़िए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं ले सकते हैं अपने लिए बाकी ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार बिना सब्सक्राइब करे बहुत लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब बटन दबा दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा <laughs> और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्टें टिल देन अपना ध्यान रखिए आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस से आ, मेरी बुक पढ़ना एमेजन uh, पे तो अवेलेबल है ही बुक का नाम लाइफ ऑफ लिब्रेशन अ बोन ऑफ अ विश पुरुष अश्वत्थामा है विश पुरुष क्यों मैंने उनका नाम दिया है ये भी आपको बुक में पता चलेगा तो इसके लिए आप पढ़िए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनकी सच्चाई आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के अंदर मतलब गलत इन्फॉर्मेशन है दुनिया में तो सही इन्फॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है और लास्ट में अश्वत्मा बाबा की जय 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 हो